सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट क्विकी ट्विंकल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेलीग्राम से आप डेली के डेली ना 20,000-30,000 रुपए की कमाई कैसे करोगे और आप महीने का लाखों रुपए की कमाई कैसे करोगे, वो भी एक टेलीग्राम चैनल का यूज करके। ठीक है, और ये जो मेथड है ना गाइज, अगर आपके पास फोन है ना तो आप इस मेथड को ना जरूर से जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये जो मेथड है ना 100% जेन्युइन है और इस मेथड को आप लोग अपने मेहनत से करके ना यहाँ से पैसे कमाई करोगे। ठीक है, और ये जो काम है ना गाइज, देखो हर एक स्टूडेंट इस काम को ना अपने पार्ट टाइम में अपने फ्री समय का यूज करके ना टेलीग्राम से महीने का लाखों रुपए की कमाई जो है ना वो कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को अपना खुद का बताऊं ना, तो आपको यहां पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि यहां पे 23,600 रुपए का मेरे को पेटीएम में पैसे रिसीव हुए हैं। ठीक है, और ये मैं सिर्फ एक दिन के अंदर ना टेलीग्राम चैनल का यूज करके, यानी कि टेलीग्राम से मैं पैसे कमाई हूं। ठीक है, और आप लोग भी बिल्कुल मेरी तरह ही नहीं बल्कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो लोग अगर मेहनत करके कुछ पैसे की कमाई करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए ना काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगी, जिस डिटेल को देखने के बाद आप लोग भी टेलीग्राम चैनल से पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो सारा जो है ना आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, हम लोग इस वीडियो का ना इंट्रो ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, वीडियो को कर लेंगे शुरू। लेकिन आपसे एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और चलिए हम लोग अपने इस वीडियो के ना प्रोसेस को करते हैं शुरू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ना मैं अपना यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ओपन करना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले ना देखो, बहुत सारे लोग ना टेलीग्राम चैनल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल अगर आपका नहीं है ना, यानी कि टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपके फोन में नहीं है ना, तो आप लोग प्ले स्टोर से ना जाकर के टेलीग्राम क्या करोगे, यहाँ पे टेलीग्राम ऐप, यहाँ पे मैं लिखूंगी टेलीग्राम। ठीक है, और इस ऐप को आप लोग क्या करोगे, अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब इसे डाउनलोड कर लेने के बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना होता है आप लोगों को। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के पास अपना टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है ना उनके फोन में अवेलेबल होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे फोन में ना टेलीग्राम ये एप्लीकेशन जो है ना वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस देखो, बहुत से ऐसे यहाँ पे मेरा जो मैसेज है ना वो सारा चीज भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि टेलीग्राम चैनल से हम लोग कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है, ठीक है, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ना, जैसे कि यहाँ पे मेरे ना बहुत सारे, देखो यहाँ पे यूजर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा चैट हिस्ट्री दिख रहा है। आप लोग जब ओपन करोगे ना तो बिल्कुल ये प्लेन यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने अभी तक टेलीग्राम को तो यूज किया ही नहीं है। तो आपको देखो गाइस, जैसे आप लोग ओपन कर लेते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक पेंसिल का आइकन दिखता है। तो आप इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, एंड क्लिक कर लेने के बाद आपको पहला जो ऑप्शन है ना, आपको यहाँ पे न्यू चैनल का एक ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए, जिसे आप लोग न्यू चैनल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और न्यू चैनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपने चैनल का नेम लिखना है। अब देखो, यहाँ पे चैनल का नेम डालते वक्त ना आपको अब यहाँ पे ध्यान देनी है कि आप लोग किस कैटेगरी के ऊपर वर्क करना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे कि मान लो एज एग्जांपल मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वो चैनल जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बार बैक करूंगी ना, मेरा ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ ना, तो ये अर्निंग से रिलेटेड ये मेरा चैनल है। ठीक है, जो कि मैं खुद बनाई हूँ, और टोटल यहाँ पे सब्सक्राइबर 28,000 अवेलेबल है। और ये चैनल आप लोगों को, जैसे कि मेरा जो निच है, ठीक है, मेरे चैनल का जो कैटेगरी है ना वो अर्निंग से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप लोग चैनल बनाने जाते हो तो आप अपने चैनल में किस चीज़ के ऊपर शेयर करना चाहते हो, आपके माइंड में कोई अगर क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी मतलब कि देखो आप लोग जिस चीज़ में, जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो यानी कि इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो गया, चाहे वो क्रिप्टो से ऊपर हो गया, चाहे वो स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर हो गया, चाहे वो अर्निंग के ऊपर हो गया, चाहे वो
फिल्म जो होती है ना, सीरीज जो होती है, उन सारे चीजों के ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज आप लोग डिसाइड करोगे। अब जैसे कि एज सपोज मानो मैं अगर आप लोगों को अपनी अगर आप लोगों को ओपिनियन दूं ना, तो आप लोग अर्निंग के ऊपर वर्क करना, ठीक है, क्योंकि अर्निंग के ऊपर काफी अच्छी आप लोग इनकम करोगे। और देखो अगर आप लोगों को इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वीडियो म्यूजिक से रिलेटेड अगर इस पे भी वर्क करनी है ना तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगी ना उस चीज के बारे में बताऊंगी। अब जैसे कि मान लो आप लोग अर्निंग के ऊपर वर्क करना चाहते हो, अगर आपके माइंड में इस तरह का कुछ ख्याल नहीं है ना कि मेरे को तो अर्निंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं किस तरह कैसे चैनल बनाऊं, तो वो सारा चीज बताऊंगी आप लोगों को। पहले देखो यहाँ पे चैनल जो है ना, चैनल का नेम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपको कुछ ऐसा नेम रखना है ना जो कि बिल्कुल यूनिक हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अर्निंग प्लेस, ठीक है, अर्निंग प्लेस मैं चैनल का नेम लिख देती हूँ, या फिर अर्निंग ग्रुप, ठीक है, अर्निंग ग्रुप, या फिर अर्निंग फास्ट ग्रुप लिख दो। आप लोग जो भी लिखोगे ना, कुछ अच्छा चीज लिखना कि वो सर्च रैंक में आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ पे लिख देना होगा ऑल अबाउट, कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना, ऑल अबाउट अर्निंग अपडेट, ठीक है। अर्निंग अपडेट यहाँ पे मैं डालूंगी एंड यहाँ पे जो है ना इसको ओके करूंगी, ठीक है। अब इसके बाद गाइस देखो यहाँ पे आपको दिख रही है ना दो चीज आएगा, एक पब्लिक चैनल और एक प्राइवेट चैनल। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ना यहाँ पे ऑलवेज पब्लिक चैनल पे क्लिक करके ना इसको टिक आउट करना होगा। ये पब्लिक चैनल इसलिए होता है ना कि अगर आप लोग ना अपने दोस्तों को भी बोलोगे ना कि टेलीग्राम चैनल, यानी कि टेलीग्राम पे जा करके मेरा जो चैनल नेम है ना वो सर्च करो, तो उनको वो दिखेगा। अगर आप लोग प्राइवेट करोगे ना और अपने दोस्त को बोलोगे कि मेरे चैनल का नेम है अर्निंग, यानी कि अर्निंग एरिया, तो जाके सर्च करो तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन पे मत जाना अगर आपको अर्निंग करनी है तो। एंड यहां पे देखो पब्लिक लिंक, यानी कि अगर आप लोग अपने लिंक को अपने पब्लिक में शेयर करना चाहोगे ज्वाइन होने के लिए, तो आपको यहां पे अपने चैनल का जो नेम है ना वो डालना होगा, ठीक है। अब जैसे कि गाइस देखो यहां पे मैं न्यू चैनल पे क्लिक की ना, चलो यहां पे मैं आप लोगों को अर्निंग यहां पे मैं फिर से डाल देती हूं, अर्निंग यानी कि अर्निंग नोटिफी अर्निंग चैनल, ठीक है, अर्निंग चैनल में डाल दी CHANEL ऑल अबाउट, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ ऑल अबाउट अर्निंग, ठीक है। आप लोग जो भी है ना गाइज देखो यहाँ पे लिख देना जल्दी जल्दी जो लिखना होगा, मतलब जल्दी जल्दी मैं लिख रही हूँ, वीडियो का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है। अब अर्निंग चैनल है ना, तो मैं यहाँ पे URL जो शॉर्ट लिंक है ना अर्निंग चैनल यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, मेरे चैनल का जो भी है ना, देखो ये ऑलरेडी टेकन है, तो मैं यहाँ पे 1 डालूंगी, ये भी टेकन है, चलो यहाँ पे मैं 0 डालूंगी, ये अवेलेबल है, ठीक है, अर्निंग चैनल 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी है ना अपने चैनल का जो URL है ना वो मैं सेट कर ली हूँ, कुछ अच्छा वाला ही सेट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ओके करूँगी। अब यहाँ पे आपके जो मोबाइल, यानी कि मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो नंबर होगा ना वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप लोग किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं ना, चलो यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ, खुद को ही ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ और इसको ओके करूँगी। अब देखो गाइस यहाँ पे अपना अर्निंग चैनल जो है ना यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब अपना एक सब्सक्राइबर है, हम लोग अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को ही क्या किए हैं यहाँ पे, मतलब कि उसको ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देखो अपना चैनल तो क्रिएट हो चुका है। अब चैनल का जो है ना आप लोग यहाँ पे ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करोगे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक फोटो बढ़िया सा सेट कर लेना, ठीक है। फोटो यानी कि देखो ऐसा पिक सेट करना ना जो कि आपके कैटेगरी पे मैच करता हो, ठीक है, ये क्लियरफाई हो गया। अब देखो यहाँ पे चैनल टाइप पब्लिक ही रखना है आपको, डिस्कशन है, साइनअप है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अपना जो भी है चैनल को आप लोग यहाँ से हैंडल कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे सारे चीज़ है। तो आप लोग यहाँ से ये सारे चीज़ आप लोग डालोगे और ओके करोगे। अब आपके चैनल बन चुका है, चैनल का URL लिंक आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी लिंक पे क्लिक करके आप अपने चैनल को ना यहाँ पे देखो कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। अगर मैं अपने इसी ग्रुप में शेयर करूँ ना, तो देखो ये मेरे चैनल का जो है ना ग्रुप लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं कहीं पे भी शेयर करके ना लोगों को क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं ज्वाइन करवा सकती हूँ अपने चैनल में, ठीक है। अब गाइस देखो चैनल बन गई। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मैम अब चैनल तो बन गया, अब दूसरा तरीका बताओ कि यहाँ से अर्निंग कैसे करना है आपके। तो जैसे कि आपने जो है ना 24,000 का जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखा ना आपने, जो आपने दिखाया वो आप कैसे अर्न की, ठीक है। तो अब जो दूसरा स्टेप है ना, अब यहाँ पे देखो गाइस, जैसे कि यूट्यूब पे आप लोग आते हो ना, तो यूट्यूब पे आपको 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके देनी होती है, एंड उसके बाद से यूट्यूब पे एड्स चलता है, ठीक है। तो एड्स चलता है तो क्रिएटर को अर्निंग होती है एडसेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रोसेस अलग है, लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा प्रोसेस है ना कि टेलीग्राम पे आपके अगर टेलीग्राम पे ना अगर
आपके अच्छे सब्सक्राइबर बेस बन जाते हैं, ठीक है, यानी कि अच्छे फॉलोअर्स बन जाते हैं ना, तो आप लोग यहाँ पे जो चीज़ भी पोस्ट करते हो ना, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग में तो आपको मेहनत करनी होगी, जैसे कि मान लो आपके ग्रुप में ना यहाँ पे अर्निंग जो फास्ट चैनल आपने बनाया, तो आपके ग्रुप में मान लो एक लोग है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ शेयर करना है जो कि बिल्कुल अपडेटिंग हो, ठीक है, जो कि बिल्कुल यूनिक हो। अब आप लोग अर्निंग में ले लो, अर्निंग में जो चीज़ चल रहा है, जैसे कि अर्निंग एप्लीकेशन हो गया, अर्निंग वेबसाइट हो गया, ठीक है, मतलब जो चीज़ है ना आप लोग अर्निंग एप्लीकेशन को ले सकते हो, मतलब जो चीज़ है ना अपडेटिंग के लिए, वो सारा चीज़ आप लोग अपने ग्रुप में क्या करोगे, विथ पेमेंट प्रूफ के साथ आप लोग शेयर करोगे, ठीक है। अब ये सारे चीज़ गाइस देखो, आप लोग अपने थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करोगे कि कहाँ से मैं पेमेंट प्रूफ लाऊंगा, मैं तो अर्निंग कर ही नहीं रहा हूँ तो कहाँ से लेकर के आऊँगा। तो आप लोग ज्वाइन करो, प्ले स्टोर में जाओगे तो लाखों करोड़ों ऐसी ऐप मिलेगी जहाँ से लोग अर्निंग करते हैं ज्वाइन होने के बाद, ठीक है। तो इस तरह करके आपको क्या करनी है, आपको वहाँ से रेफरल इनकम भी होगी, और आप लोग अपने ग्रुप में अगर शेयर करोगे ना तो शेयर करने के आपको क्या होती है, रेफरल इनकम होती है, और आप लोगों के ग्रुप में लोग आएंगे क्योंकि उनको अर्निंग हो रही है आपके ग्रुप से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमको मेरे को ना यहाँ पे 24,000 रुपीस कैसे मिला, तो जैसे कि अपना जैसे कि ग्रुप में आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ जब शेयर करते हो ना तो बहुत सारे फॉलोअर आने लगते हैं आपके ग्रुप में, ठीक है, लेकिन आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है। देखो आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक फॉलोअर आपके चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करेंगे, टेलीग्राम चैनल को आपको है मतलब कि बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप पे अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो शेयर करना पड़ेगा, FB ग्रुप पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और लोगों को अपने चैनल पे बुलाओगे, ठीक है, ताकि वो लोग ज्वाइन करें, और अच्छे अच्छे वाले अपडेट आपको क्या करनी है, अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करनी है। तो ये क्लियरफाई हो गया, और धीरे धीरे आपका जो टेलीग्राम पे जो सब्सक्राइबर बेस है ना वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखो ये करोगे तो आपको अब यहाँ से प्रॉफिट दो तरीके से होगा। अब प्रॉफिट ऐसे होगा कि जैसे कि आप लोगों का, जैसे कि मान लो आप लोग इधर उधर मान लो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम मतलब इधर उधर अपने दोस्तों को ज्वाइन करवा रहे हो, आपने 1,000 कुल मिला के ज्वाइन करवा लिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई ऐप है, जैसे कि अगर कोई ऐप के बारे में मैं बात करूँ ना, अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगी, ये अर्निक्स ऐप है, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अब ये अर्निंग्स ऐप को क्या करोगे, आप लोग डाउनलोड कर लोगे। अब मान लो एक ही ऐप नहीं ना है प्ले स्टोर में, मतलब अर्निंग करने वाली बहुत सारी अर्निंग एप्लीकेशन है। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, पहले खुद ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करने के बाद यहां पे आप लोग इसका जो रेफरल लिंक है ना और इसका कुछ डिटेल को क्या करोगे, अपने हाथ से लिखोगे, एक पोस्ट बैनर बनाओगे, ठीक है, और अपने टेलीग्राम पे शेयर करोगे, और जो लोग आपके टेलीग्राम पे होंगे ना वो लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको अर्निंग होती है। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये 500 रुपये का विड्रॉल मैं की हूँ, सिर्फ मैं देखो टेलीग्राम पे शेयर करके यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं शेयर करती हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं यूट्यूब पे भी शेयर करती हूँ, और अच्छी खासी आपकी इनकम होगी। यानी कि टेलीग्राम पे शेयर करोगे तो आपके रेफरल लिंक से जो लोग ज्वाइन करेंगे ना उस तरह से भी आपकी यहाँ पे इनकम होगी। एंड द सेकेंड ऑप्शन किस तरह से इनकम होगी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो जब आपके टेलीग्राम पे 5,000-10,000 फॉलोअर आप लोग कर लोगे ना, मेहनत करके अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठे कर लोगे ना, तो आपके पास ब्रांड्स आती है, ठीक है, ब्रांड्स आती है। जैसे कि ये जो पोस्ट आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे को एक ब्रांड्स ने दी हुई थी, ठीक है, और इस तरह का प्रमोशन मैं मतलब वीकेंड में ना वीक में एक दो बार कर ही देती हूं, जिसका कॉस्ट मैं 10,000-20,000 रुपए लेती हूं, ठीक है, और वो बोलेगी कि मेरा बना बनाया यहां पे जो है ना प्रमोशनल मैसेज मैं आपको सेंड करूंगा, और आपको मैं पिक सेंड करूंगा, बस आपको अपने ग्रुप में क्या करनी है, शेयर कर देनी है, और शेयर कर दोगे तो मैं आपको 20,000, बार्गेनिंग भी होता है, नेगोशिएशन ये सारा चीज चलते रहता है, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं इतना पैसा दूंगा, मेरा कॉस्ट इतना है, तो आप लोग इस तरह बार्गेन करके अपना एक पोस्ट करोगे ना टेलीग्राम पे, तो आपको आपके फॉलोअर के हिसाब से व्यू के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसे कि देखो इस पे व्यू कितना गया है, यहाँ पे 5,700 व्यू गया है, ठीक है, और इसके लिए मैं 24,000 रुपीज एक अप्रॉक्सिमेटली ली थी एक टेलीग्राम पे मैं ये शेयर करने के लिए। तो वैसे आप लोग गाइस देखो ज्यादा फोकस किस चीज पे करोगे, आप लोग यहाँ पे फोकस करोगे कि आप अपने टेलीग्राम को थोड़ा सा जो रीच है ना उसको बढ़ाओगे, अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे अपने लिंक को क्या करोगे, अपने टेलीग्राम चैनल को आप लोग उनको उन लोगों को बोलोगे कि आप लोग यहाँ पे आओ, ठीक है, लेकिन उस तरह का चीज भी आपको देनी पड़ेगी। कोई भी अगर आपके टेलीग्राम चैनल पे आएगा ना तो वो कंटेंट देखेगा कि उसके लायक कंटेंट मिल रहा है, हेल्पफुल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और इस तरह करके आपसे ब्रांड अब कैसे कॉन्टेक्ट करेगी। अब मान लो आप लोग कोई भी ग्रुप में अगर कोई भी अगर एप्लीकेशन का लिंक शेयर करोगे वो तो इंस्टेंट आपकी अर्निंग दिखेगी, लेकिन जो भारी भरकम वाली जो अर्निंग होती है ना वो कैसे आपको दिखेगी। तो यहाँ पे गाइस देखो आप लोगों को ना, जैसे कि मेरा ये चैनल है ना,
तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि डिस्क्रिप्शन में ना आपको अपना जो भी है ना स्पॉन्सरशिप के लिए ना अपना प्रोफाइल आईडी जो है ना वो आपको यहाँ पे डालनी होती है, ताकि कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप के लिए आए ना तो वो आपको पर्सनली मैसेज करे, ठीक है, पर्सनली आपको मैसेज करे और आपसे बात करे। अब जैसे कि मान लो आप लोग टेलीग्राम पे जाते हो ना, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करोगे ना अर्निंग, यहाँ पे देखो अर्निंग, ठीक है, और बहुत सारे जो ब्रांड्स बड़े बड़े होते हैं ना वो लोग टेलीग्राम पे आते हैं और सर्च करते हैं अर्निंग चैनल, तो यहाँ पे बहुत सारे जो चैनल है ना उन लोगों को दिखता है। देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे अर्निंग चैनल है, यहाँ पे देखो अर्निंग अर्निंग, यहाँ पे बीच अर्निंग चैनल पे मैं क्लिक करूँ तो इसमें 3800 सब्सक्राइबर हैं, ये देख रहे हो, ये सारे के सारे अर्निंग चैनल है। और ब्रांड्स जाएगी इनके देखो अबाउट सेक्शन पे जाओगे ना तो यहाँ पे देखो एडमिन का भी यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है ना एडमिन, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देती हूँ, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर अभी ऑफ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है गाइस। देखो मैं फिर से स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे ऑन कर देती हूँ, ये देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, तो जो कांटेक्ट करेगी ना ब्रांड वो इस तरह से कांटेक्ट करती है और आप लोगों को स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे देती है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे गाइस देखो ग्रुप है, अगर मैं ग्रुप में आप लोगों को बताऊँ ना तो आप लोग अर्निंग अपने चैनल का नेम यूनिक रखना ताकि वो सर्च रैंक में आए, ठीक है। अर्निंग लिखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा है, देखो यहाँ पे यानी कि मतलब चैनल की कोई कमी नहीं है, देखो यहाँ पे भी चैनल है, यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे उनका अपना खुद का डिटेल भी दिया गया है, जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए ना कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी और एक एक पोस्ट करने के लिए ना मतलब एक पोस्ट करवाने के लिए आप लोगों से काफी अच्छा जो है ना पैसे आपको देती है, ठीक है। और आप लोग उसे केवल पोस्ट करोगे, कुछ नहीं करनी है, और इस तरह का मेथड यूज करके बहुत सारे यूजर्स जो है ना काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और ये मेरा चैनल है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे जो अपडेट है ना वो मिलती रहती है टाइम टू टाइम, और आप लोगों को यहाँ पे जो भी डिटेल्स है ना गाइस देखो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना है। ज्यादा फोकस आपको मेहनत करनी है अपने टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर लाने के लिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे वाले पोस्ट करने के लिए, और इस तरह का मेथड का यूज करके आप लोग काफी अच्छी कमाई कर सकते। बहुत सारे लोग ना इस तरह का अर्निंग मेथड यूज करके ना काफी अच्छी अर्निंग जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ना ये जो अर्निंग मेथड है ना वो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।